नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। मित्रों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मित्रों, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। जब उसने जन्म लिया तो वह बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ा था। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी निक्को भल्ला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर जीत पाने वाले इंद्रजीत की, यानी कि मेघनाथ की। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाथ का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, क्या है सुलोचना और मेघनाथ की पूरी कहानी, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, ऋषि विश्वश्रवा ने दो विवाह किया था। पहली पत्नी इलाविदा से श्री विश्वश्रवा को पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी, और दूसरी पत्नी कैक्सी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पनखा का जन्म हुआ था। इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त्र, विरूपाक्ष और भीमक वीर थे। इनमें से मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो, इसलिए मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जिस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। मित्रों, मेघनाथ ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाथ सभी दिव्यस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपने किशोरावस्था में मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी प्रत्यागिरा के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, और जब मेघनाथ युवावस्था में पहुंचा, तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के तीन सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाथ की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाथ को मन चाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह देना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके सामान्य ही मेघनाथ को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक कुलदेवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और न ही उसे मार सकते थे। मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था,
इसलिए जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाथ ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले ही जाता है, तब मेघनाथ ने अपनी माता से कहा कि अगर पिता को ठुकरा कर मुझे स्वर्ग भी मिले तो उस स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवीय प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतारता है। मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण जी भी मेघनाथ की मायावी शक्ति से कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था, जिस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते हैं तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता है। मित्रों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है। मेघनाथ के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी बिना समय गवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नब्ज टटोल कर राम जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ को ही उठा लाए और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाथ को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, ऐसे में मेघनाथ का सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया तो मेघनाथ का सर काट कर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को काट कर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाथ की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिखने को कहा। मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिख दिया। साथ में मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की सारी घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाथ का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उससे अपने पति का सर मांगते हुए बोली, हे लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री चार घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुँच गयी और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरे पति का सर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृतांत कैसे पता चला।
तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा वृतांत लिख बताया था। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं होता है, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था। इसलिए वह सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे बस मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की यह बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाथ का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका रहती है कि आखिर कैसे मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु राम के कहने पर तुम्हारे पति का सिर तुम्हें लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का यह कटा हुआ सर फिर से हंसेगा। यहाँ सुलोचना के अस्तित्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसलिए वह अपने पति के कटे हुए सर से कहती हैं कि हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, यह मेरे अस्तित्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ लंका लौट आती है। वहीं समुद्र के किनारे मेघनाथ की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर अग्नि में बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। तो मित्रों, ये थी सुलोचना और उससे जुड़ी कहानी। क्या सुलोचना के जीवन से जुड़ी यह कहानी आपको पहले से पता थी? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।